पूरे विश्व को जिस दिन का इंतजार था वह दिन आज आ गया। कौन बनेगा भारत का सिरमौर, लोकसभा चुनाव का आज परिणाम है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पहले ही कर चुकी हैं। रतलाम से भाजपा ने नया चेहरा अनीता नागर सिंह चौहान को उतारा, तो कांग्रेस ने पुराने सिक्के कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा। ईवीएम की सुरक्षा के साथ मतगणना स्थल पर सीआरपीएफ जवानों सहित प्रशासनिक अधिकारियों, 450 पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मियों के अलावा 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना शुरू हो गई है। रतलाम झाबुआ के अलावा रतलाम विधानसभा की दो सीटें जो जैन व मंदसौर लोकसभा सीटों का हिस्सा हैं, आलोट व जावरा, इनकी भी मतगणना हो रही है। इन दोनों का परिणाम की घोषणा उज्जैन व मंदसौर के कलेक्टर करेंगे।